अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू कुकिंग कम्फर्ट ऑल रेसिपीज़। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं उसका नाम है बीफ पाया दिल्ली स्टाइल रेसिपी, यानी सर्दियों की सबसे पहली सौगात पाया रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए। आप बनाइए और सर्दियों से भी बचें और अपने आप को ताकतवर बनाइए ताकि आप सर्दी का मुकाबला कर सकें। चलें आपको रेसिपी की तरफ लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा मज़ेदार बीफ पाया हमने कैसे बनाया है, किस तरीके से मज़ेदार लग रहा है। और अगर आपको मेरी पूरी रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल कुकिंग कम्फर्ट ऑल रेसिपी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसा मज़ेदार बीफ पाया बना सकें। अब हम आपको ऑल इंग्रेडिएंट्स बताने चलते हैं जिससे हमने ऐसा मज़ेदार बीफ पाया बनाया है। देखिए, हमने पाए को कट कर लिया था, दो पाए हमने लिए हैं बीफ के और इनको अच्छी तरीके से कट करवा लिया, साफ़ करवा के और धो के रख लिया कितने साफ़ सुथरे हो रहे हैं। और देखिएगा ये इसका गूदा है और इसकी सारी हमने बड़ी बड़ी हड्डियाँ हमसे होती नहीं है, पकती नहीं है, तो हम पहले से ही कट करके इसको साफ़ सुथरा धो के रख लेंगे ताकि इसकी स्मेल भी निकल जाए और ये साफ़ सुथरे हो जाए। अगर इसमें जो भी गंद लगा हुआ होता है वो पहले से ही अच्छी तरीके से भिगो के धो के एक साइड रख लीजिए। फिर जो हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं वो हम आपको बताते चलते हैं। दो चमचे हमने नमक लिया है, दो चमचे हमने रेड चिली पाउडर लिया है, दो चमचे हमने हल्दी लिए, दो चमचे धनिया और दो चमचे कश्मीरी लाल मिर्च और तीन से चार प्याज ले लिए बारीक कट कर लिए, टमाटर ले लिए, आप चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं। दो चमचे हमने अदरक लहसुन पेस्ट लिया है और कुछ खड़े मसाले हैं और आधा किलो ऑयल है। हम आपको सारी चीज़ें गरम मसाले की भी बताते चलते हैं कि इसके अंदर जो हमने खड़े मसाले ऐड किए हैं उसके अंदर है ज़ीरा है, तेज़पात है और बड़ी इलायची है, दालचीनी और काली मिर्च है। इनको हम सारे ऑयल को ऐड कर देंगे और गरम मसालों को कड़कड़ाने रख देंगे। फिर हमने जो दो प्याज़े लिए हैं इसको हम ऐड करेंगे। बिल्कुल नए स्टाइल से हम पाया बना रहे हैं, ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बॉईल करके बनाएं, इस तरीके से भी बनाएंगे तो आपके पाए की जो भी स्मेल है वो भी इस तरह ख़त्म हो जाती है। प्याज को अच्छा सा लाइट ब्राउन कर लीजिए। अब हम इसके अंदर अपना पाया ऐड करेंगे। पाए को बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और हल्के हाथ से अदरक लहसुन ऐड करने के बाद हम हड्डियों को और जितने भी पाए की हड्डियाँ हैं इनको, प्याज को अच्छी तरीके से अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल सारी निकल जाए। इस स्टाइल से भी पाया रेसिपी बनती है। एक आपने देखी होगी कि पाए को पहले बॉईल कर लेते हैं, लेकिन हम इस तरीके से बना रहे हैं, ये भी बहुत मज़ेदार पाया रेसिपी बनती है। अब देखें, अदरक लहसुन ऐड करके हमने इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे ये ताकि इसकी स्मेल पाए की निकल जाए शुरू में, और फिर इसके अंदर जो भी हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे उसी के साथ ये जब पाया बनेगा तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और पाए की हड्डियों में जो जूस हम पीते हैं वो सारा इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए होंगे। देखिए, अब बहुत अच्छी तरीके से हमारी सारी हड्डियाँ अदरक लहसुन के साथ भुन चुकी हैं, इसकी सारी स्मेल इस तरीके से निकल भी जाती है। फिर हम इसके अंदर जो हमने स्पाइसेस आपको बताए थे वो हम सारे ऐड कर देंगे, उनको भी डाल के अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। देखिए, सारे स्पाइसेस आपके सामने, हमने गरम मसाला बाद में ऐड किया था इसके अंदर ऊपर से, अभी हम सिर्फ स्पाइसेस डाल के हल्के हाथ से हड्डियों के साथ भूनेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको जब मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भूनने लगा था तो फिर हमने इसके अंदर तीन से चार टमाटर बारीक कटे हुए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखें, हमारा मसाला सारा हड्डियों में अच्छा सा चिपक गया है और बहुत अच्छी तरीके से हमारा मसाला भून गया है और हड्डियों का भी जो भी अगर स्मेल रह भी गई होगी तो वो इस तरीके से सारे निकल जाएगी। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर डाल के भी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि टमाटर भी इसके बिल्कुल से ख़त्म हो जाए। देखिए, आपने जो हमने प्याज ऐड करी थी वो टमाटर, सारी चीज़ें हमारी ग्रेवी बनके तैयार होंगी और बिल्कुल भी खड़ी खड़ी नहीं रहेंगी। अगर आप इस स्टाइल से बनाते हैं तो बहुत मज़ेदार पाया बनता है और आपको दिक्कत भी नहीं होती कि आप बॉईल करें और अलग अलग सेटअप करें इसका। बस आप इसी तरीके से मसाला भून के देखें, हमारा सारा जो भी टमाटर ऐड कर रहे थे कितनी अच्छी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर जो है
दो जग पानी ऐड करेंगे। और पानी इसलिए ज़्यादा डालना है क्योंकि ये पाया है तो इसको कम से कम गलने में 2 घंटे तो लगेंगे, हमारे भी 2 घंटे लगे थे। तो आप 2 घंटे के लिए 2 जग पानी डाल के हल्की आंच पर रख दीजिएगा ताकि आपके पाए भी बहुत अच्छी तरीके से बन के तैयार हो जाएं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो। देखिए हम पानी ऐड कर देंगे और इसको कैप लगा के 2 घंटे के लिए ढक के बनाने रख देंगे। ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है और सर्दियों की स्पेशल पाया रेसिपी है। और ये नए स्टाइल से बनाइए। अब हम इसको कैप लगा देंगे और फिर आपको हम 2 घंटे के बाद खोल के दिखाएंगे कि हमारा पाया कैसा बना, कैसा मज़ेदार इसका शोरबा बन के तैयार हुआ है। आप चाहें तो थोड़ा गाढ़ा भी कर सकते हैं, हम लोगों को शोरबा पसंद है, हमने शोरबा ही रखा है। और इसका सारा गूदा उतर गया है हड्डियों का गल के और बहुत मज़ेदार, बहुत ताकतवर होता है। आप लोग अपने घर में ज़रूर बनाया करें, अपने बच्चों अपने बड़ों को ज़रूर खिलाया करें, ख़ासकर बुज़ुर्गों के लिए ये बहुत बेहतरीन ग़िज़ा होती है, उनको ज़रूर ट्राई की कराइएगा। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमने जब इसको गार्निश किया था डिश आउट करके तो उसके ऊपर हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया और लीमू और अदरक काट के डाली थी। देखिए हम इसके अंदर भी ऐड कर रहे हैं और हम डिश आउट जब करेंगे उसके ऊपर भी हम ऐड करेंगे। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।